यशोमती मैया के नंदलाला। मैया ये क्या किया? लगता है इसे माखन से अधिक ही प्रेम हो गया है। सावधान यशोदा, कहीं बड़ा होकर माखन चोर ना बन जाइए। माखन चोर क्यों बनेगा मेरा लल्ला? माखन की कोई कमी है क्या हमारे घर में? जितना माखन चाहिए उतना माखन खिलाऊंगी मैं अपने लल्ला को। पर मैया अभी तो थोड़ा सा भी नहीं चखा रही हो। ये ले। लो, ये भी दाऊ को दे दिया। सुबह तो बोल रही थी कि मैं आपको प्रेम नहीं करता, उल्टा आप अपना सारा प्रेम बलदाऊ पर लुटा रही हो। सुनो जी, कान्हा के चारों ओर सिरहाने लगा दो ना, नहीं तो जी फिर से इधर उधर चला ना जाए। क्या अच्छा सुझाव दिया तुमने। अभी लाए। इस बालक का वध करके जब मैं मथुरा वापस लौटूंगा तो प्रभु कंस मुझे अपना विशेष विश्वास पात्र तो बनाएंगे ही, पर क्या पता प्रधानमंत्री भी बना दे। देवकी और वसुदेव अभी कहाँ हैं? अपनी संतानों के श्राद्ध के लिए ऋषि गर्ग के आश्रम जा रहे हैं। अब आप क्या करने वाले हैं महाराज? एक बार तो मैंने उन्हें प्राण दान दे दिया। बधाई हो कुंवर जी, अपनी पत्नी के प्राण बचाने में आप सफल हुए। दूसरी बार मैं उन्हें दंड देने निकला तो तुमने मुझे रोक दिया। बुद्धि बल का प्रयोग कीजिए स्वामी, शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। किंतु एक ही भूल को बार बार नहीं दोहराएगा कंस। मथुरा नरेश कंस के इस महल से वसुदेव और देवकी जीवित बाहर नहीं निकलेंगे। निकलेंगे केवल उनके शव। कंस मामा, आप उनको छू भी नहीं सकते।
जय, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ प्रभु, आप अचानक इतने चिंतित क्यों हो गए? कृष्ण ने अपने पांव का अंगूठा अपने मुख में रख लिया है देवी। इसमें चिंतित होने की कोई बात नहीं है प्रभु, ऐसा तो हर बालक कभी ना कभी करता ही है। तो सखा कोई साधारण बालक नहीं है देवी पार्वती, तो भगवान है। यदि वह ऐसे ही अपने अंगूठे को मुख में रखकर खेलते रहे तो अवश्य ही आ जाएगी। कौन आ जाएगी प्रभु? प्रलय आ जाएगी देवी, प्रलय आ जाएगी देवी। हे नारायण, ये क्या हो रहा है? ये ऐसे लग रहा है जैसे दिन में ही रात्रि के समान अंधेरा छा गया हो। लगता है बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। ये भीषण आंधी, ये मूसलाधार वर्षा, तुम दोनों ने ऋषि गर्ग के साथ मिलकर अवश्य कोई योजना बनाई है ना? बोलो बोलो, क्या है वो योजना? बोलो। लगता है प्रकृति क्रोध में, मैं जाकर गौशाला संभालता हूँ, कहीं कोई हानि ना हो जाए। तुम बालकों को भीतर ले जाओ। जीजी, द्वार और झरोखे बंद करते हैं। लल्ला, चल अंदर चल के खेल। आपके सखा तो ध्यान निद्रा में चले गए हैं प्रभु, इनके ये अंगूठा चूसने की सामान्य सी क्रिया का कितना घातक प्रभाव पड़ रहा है, इन्हें तो पता भी नहीं है। चाहे जानबूझकर की जाए या अनजाने में हो, सखा की हर लीला के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य छिपा होता है। पर ऐसा लगता है देवी, जैसे उनकी इस लीला के पीछे एक नहीं अनेक उद्देश्य छिपे हैं। देख रही हो जीजी, प्रसाद ना मिली खाने को, तुझे पांव का अंगूठा ही चूसने लग गयो। कान्हा, ये क्या कर रहे है? अंगूठा मुंह से निकाल दे लल्ला, ये अच्छी बात ना है कान्हा। देख कान्हा, तू नींद में है, इसका अर्थ ये ना है कि मैया तुझे अंगूठा चूसने देगी।
निकाल अंगूठा मुंह से। आज तो बड़ी शीघ्र इतनी गहरी निद्रा में सो गए हो तुम। देख रहे हो ना चिची, अंगूठा मुंह से निकालने को तैयार ही ना जी। ऐसा क्या आनंद मिल रहा है? अधिक बल्ब भी ना लगा सकती, अत्यधिक नींद में है, कहीं इसकी आंख ना खुल जाए। रानी भाभी, लगता है तीव्र वर्षा होने वाली है। मैं और भोला भैया के साथ अगले निकल रहे हैं, हो सकता है उन्हें हमारी आवश्यकता हो। हाँ हाँ, चलो बोला। चिच्ची, तीव्र वर्षा आरंभ होने से पहले आप और बताओ निकल जाए। ठीक है, किंतु तुम भी सतर्क रहना। हाँ, आप भी ध्यान से जाओ। हे नारायण, वस्त्र बाहर सूख रहे हैं और तेरे अन्न प्राशन वाले चावल भी रखे। फितर करना होगा ना चिचान की भी। लल्ला, वैसे जी बहुत बुरी बात है, अंगूठा मुंह से बाहर निकाल। केवल 2 दिवस में तेरा अन्न प्राशन है, फिर सब खाइयो। तनिक धैर्य रख। गुड़ तुम